नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने खबर आपके काम की। सरकार देने जा रही है मिडिल क्लास फैमिली को खुशखबरी। देश में मिडिल क्लास फैमिली की बहुत संख्या है और मिडिल क्लास फैमिली को न तो राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की सुविधा मिलती है और न ही केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन अब मोदी सरकार ने मोदी 2 में मिडिल क्लास फैमिली को खुशखबरी देने की योजना बनाई है। जानते हैं क्या है जानकारी। 20 नवंबर 2019 का अपडेट है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिडिल क्लास को मिलेगी खुशखबरी। मोदी सरकार कर रही है यह बड़ी तैयारी। 19 नवंबर 2019 को अपडेट आया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दरअसल सरकार अब मिडिल क्लास के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने पर विचार कर रही है। इस नई स्वास्थ्य प्रणाली में उनको शामिल नहीं किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन गरीब लोगों को मिलता है जो खुद कोई स्वास्थ्य बीमा योजना लेने की स्थिति में नहीं होते, अर्थात जो गरीब होते हैं उनके लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है। मिडिल क्लास फैमिली को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार के नीति आयोग के सलाहकार आलोक कुमार ने कहा कि करीब 50% आबादी अभी भी किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए उनसे मामूली राशि लेकर ऐसी प्रणाली तैयार करने का विचार है जो मिडिल क्लास की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा कर सके। देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और 130 करोड़ का 50%, इसका मतलब 65 करोड़ जनसंख्या मिडिल क्लास फैमिली में, जिनको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। और स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है, आलोक कुमार ने कहा। ऐसे लोगों के लिए उनसे मामूली राशि लेकर ऐसी प्रणाली तैयार करने का विचार है जो मिडिल क्लास की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा कर सके। आलोक कुमार ने आगे कहा कि मध्यम वर्ग में आने वाले लोगों को अगर देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था के निर्माण के लिए 200 या 300 रुपए देने पड़ते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। यह योजना व्यवहारिक लग रही है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है, स्वास्थ्य ही परम धन होता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल आबादी का 40% हिस्सा कवर होता है। यह योजना गरीबों के लिए है और इस योजना में 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। हालांकि मिडिल क्लास के लिए सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। ऐसे में यह पहली बार होगा जब मिडिल क्लास पब्लिक हेल्थ केयर कवर का फायदा उठा सकेगा। मतलब केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा प्लान किया है। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं, जैसे सफाई से संबंधित उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिया। शौचालय को लेकर उन्होंने बात कही और देश में लाखों करोड़ों शौचालय बनाए हैं। यह सब स्वास्थ्य से जुड़ी है। सफाई, शौचालय, यह सब बीमारियों का घर होता है। यदि इसके प्रति हम जागरूक रहें तो हम कम बीमार पड़ेंगे। और उसी के तहत एक नई योजना जिसको पब्लिक हेल्थ कहा गया है और यह पब्लिक हेल्थ मिडिल क्लास फैमिली के लिए लागू होगा। इस प्रकार से जानकारी थी, इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।